हेलो स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 52, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर, न्यूटन वर्क एस सी वर्मा बुक से ले रहे हैं। तो ये क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, और इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं। अब इसमें देखा जाए तो जो जनरल बच्चों को याद होता है कि अगर कोई एक बॉब है और वो स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है तो लोवेस्ट पॉइंट पी स्पीड अंडर रूट 5 g r होनी चाहिए अगर इसको वर्टिकल सर्किल में घूमना है। वो चीज़ यहाँ नहीं लगती उस केस में जब यहाँ पे ये स्ट्रिंग होता था। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर एक रॉड है, रॉड को अगर कहा जाए कि वर्टिकल सर्किल में घूमना है तो कितनी स्पीड देनी पड़ेगी जिसे वर्टिकल सर्किल में घूम जाए, तो इसके लिए कंडीशन अलग है। क्योंकि जब इसका डेरिवेशन करते थे, आप कंसेप्ट वीडियो को आप प्रेफर करोगे, तो इसमें हम लोग कहते थे कि टेंशन इसमें जीरो नहीं होना चाहिए। तो उसके हिसाब से देखते थे टेंशन जीरो ना हो तो इतनी स्पीड दिया जाए कि हर पॉइंट पर टेंशन जीरो से बड़ा बना रहे तो सर्किल में घूम जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग स्पीड निकालते थे तो अंडर रूट 5 g आ रहा था। बेसिकली आप टॉप पॉइंट पे स्पीड निकालते थे और उसके करस्पॉन्डिंग अंडर रूट जी आ रहा था यहाँ पे स्पीड, और जब जी आर आ गया तो इस वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के एनर्जी कंजर्वेशन से यहां पे अंडर रूट 5 g r निकाल देते थे। रॉड के केस में अलग है, इसको आप अलग से कंसेप्ट वीडियो में भी आप इसको देखिएगा डिटेल में। इसमें क्या होता है, अगर ये रॉड है, सपोज मासलेस रॉड है, इसका मास नहीं है, स्ट्रिंग के जैसे ही मासलेस स्ट्रिंग था, बट अब रॉड है तो टेंशन कभी इसमें जीरो हो नहीं सकता। मींस रॉड अगर कभी स्लैक नहीं हो सकता, तो रॉड इस पोजीशन पे जाके स्पीड अगर जीरो होगी तो ये वापस लौट आएगा। इस पोजीशन तक पहुंच गया और स्पीड यहां पे जीरो होगी तो वापस लौट कैसे आ जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता जैसे स्ट्रिंग के केस में कि यहां पे अगर स्लैक हो गया तो प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू हो जाता था। यहां पे क्या होगा, ये स्लैक नहीं हो सकता रॉड अगर है तो अगर यहां पे स्पीड जीरो हुई तो वापस लौट आ जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन होना है तो इसका मतलब टॉप पॉइंट जो पहुंचेगा तो वहां के पोजीशन को अगर इसने क्रॉस कर लिया, थोड़ा सा भी क्रॉस किया टॉप पोजीशन को, तो फिर एमजी ऐसे लग रहा होगा, पार्ट जो इससे पार्टिकल अटैच है उसका टॉर्क इसको घुमा के वापस ले आएगा इधर। तो इसका मतलब अगर एक लाइट रॉड से पार्टिकल अटैच है, जैसे यहां पे लाइट स्ट्रिंग से पार्टिकल अटैच था, तो स्ट्रिंग में टेंशन जीरो हो सकता था, स्ट्रिंग स्लैक हो सकती थी, और जिस पॉइंट पे स्लैक होती वहीं से फिर प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू हो जाता, कंसेप्ट में आप जानते हो। तो उसमें अगर हम लोग डिराइव करते थे तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कब कंप्लीट हो पाएगा, कितनी स्पीड दें, तो उसमें आप कंडीशन ये रखते थे कि टेंशन कहीं पे भी जीरो ना हो मेरा सर्किल कंप्लीट हो पाए। तो उसमें हम लोग चेक करते थे कि मिनिमम टेंशन कहां पे होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे, तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन को जीरो से बड़ा रखते थे या लिमिटिंग वैल्यू जीरो के बराबर रख के सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट लगा देते, टी प्लस एम जी नीचे की तरफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, और यहां से और टी की वैल्यू को जस्ट जीरो से बड़ा करते थे तो मिनिमम वैल्यू अंडर रूट जी आर आ जाती थी यहां की। तो सर अब यहां पे टी मिनिमम होना है, तो यहां पे अगर जीरो से बड़ा है तो बाकी जगह जीरो से बड़ा रहेगा, ये देखते हुए यहां की स्पीड निकल गई, फिर यहां निकालते थे अंडर रूट 5 g r आ गया। अब मैं डिटेल में तो फिर से नहीं पूरी चीजें डिस्कस कर सकता, या आप ऑलरेडी इसको जाके कंसेप्ट वीडियो में आप इसको देख सकते हैं, कई क्वेश्चन में भी इसका डिस्कशन हम लोगों ने किया हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर 61, 62, इन सब में 59, इसमें इसी टाइप की चीजें डिस्कशन हुई हैं। अब रॉड के केस में क्या होता है, रॉड में कभी स्लैक नहीं हो सकता, तो रॉड में सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो उसके लिए क्या होगा कि ये जो टॉप पोजिशन पे पहुंचे यहां से ये क्रॉस कर जाए, मतलब यहां पे पहुंचे तो इसकी स्पीड जीरो से थोड़ी सी बड़ी हो जाए, तो थोड़ा सा ही क्रॉस करेगा, अब इसके बाद एमजी फोर्स जो है उसका टॉर्क रॉड को घुमा के वापस इधर ले आएगा, और एक बार आ गया तो एनर्जी कंजर्व है तो वापस ये इस पोजीशन तक इसका मतलब जाना है फिर आना है, एनर्जी कंजर्व है क्योंकि कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो एक किसी स्पीड की अगर ये यहां तक पहुंच के क्रॉस किया वापस यहां पे आ गया तो वापस वही स्पीड गेन कर लेगा, फिर से इसका मतलब ये यहां पहुंच के क्रॉस करेगा फिर वापस आएगा उतनी स्पीड गेन कर लेगा, तो ऐसे सर्किल में घूमेगा। तो अगर लाइट रॉड है तो इसमें ध्यान रखेंगे ये स्ट्रिंग की तरह स्लैक नहीं हो सकता, तो इसके लिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कंडीशन अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि टॉप पॉइंट पे स्पीड जीरो से बड़ी रहे जिससे कि जब ये यहां पे पहुंचे तो यहां से बस क्रॉस कर जाए, तो जीरो से बड़ा, अब जीरो से बड़ा तो पॉइंट जीरो 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 लाख जीरो वन भी हो सकता है, तो प्रैक्टिकली लिखने में वो जीरो के बराबर ही होगा, तो जीरो वाली वैल्यू को भी हम लोग शामिल कर देते हैं लिमिटिंग वैल्यू के लिए। तो
इसका ये कंडीशन होगा। अब जैसे देखो इसका एक एग्जांपल होगा, बहुत आप अच्छे से विजुलाइज कर पाओगे। आप देखो कि जो जिमनास्ट होते हैं जैसे स्ट्रिंग पे ऐसे पकड़ के वो वर्टिकल सर्किल में ऐसे घूम रहे होते हैं, तो जिमनास्ट जो होंगे आप कभी नोटिस करना, तो ऐसे ये ऐसे घूमते हैं, टॉप पॉइंट पे आते हैं, थोड़ा सा अपने को टिल्ट करते तो वापस ऐसे आ जाते हैं, वापस आते हैं, फिर ऐसे वहां तक पहुंचते हैं, फिर थोड़ा सा इसको क्रॉस किए, फिर वापस ऐसे आ जाते हैं। ध्यान दिया ना आपने सबने, तो वहां पे भी जिमनास्ट की बॉडी क्या रिजिड है, वो स्लैक नहीं कर सकती। तो वो एक रिजिड बॉडी की तरह अगर हम बात करें तो उसके लिए भी कंडीशन क्या हो रहा है, टॉप पॉइंट पे जब वो ऐसे पहुंच रहा है, इसको क्रॉस कर गया तो उसके बाद छोड़ भी देगा तो अपने आप फिर आ जाएगा नीचे और फिर वहां तक पहुंच जाएगा। तो इस टाइप से जब रिजिड बॉडी की बात करें, उसके वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात करें, तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि जब वो टॉप पॉइंट पे पार्टिकल जो अटैच्ड है रिजिड बॉडी से वो पहुंचे तो उसकी स्पीड 0 से ज्यादा हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो है यही कंसेप्ट लगना है रिजिड वाला, क्योंकि एक लाइट रॉड है और एक पार्टिकल अटैच्ड है और इसके वर्टिकल सर्किल में घूमने की बात होगी। तो इसके लिए वर्टिकल सर्किल में तब घूमेगा कि जब ये वर्टिकल पोजीशन में पहुंचे तो स्पीड 0 से बड़ी होनी चाहिए। ये कंसेप्ट इन्वॉल्व है। अब आते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक रॉड है, लाइट रॉड, इससे एक ब्लॉक अटैच है और यहां पे हुक है। इसको यहां से हम लोग रिलीज कर देते हैं हॉरिजेंटल पोजीशन से, सभी का एक्सिलरेशन जी होगा तो ये नीचे गिरता हुआ आ रहा है, एच हाइट से नीचे गिर रहा है। अब एच हाइट से गिर रहा है तो आप सबको पता है कि जो स्पीड गेन होगा यहां पे अंडर रूट 2gh हो जाएगा, तो अंडर रूट 2gh स्पीड यहां पे गेन हो रहा है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि इस एच की मिनिमम वैल्यू क्या हो, इस एच की मिनिमम वैल्यू क्या हो जिससे कि ये यहां पे आए, यहां पे एक रिंग लगी हुई है, फिक्स्ड रिंग है, फिक्स्ड रिंग। तो जब ये आता है नीचे गिरता हुआ, स्पीड इतनी गेन करता है, ये हुक जो है वो रिंग में फंस जाता है। तो अब क्या होगा, रिंग में फंस जाएगा तो ये फिर ऐसे सर्किल में घूमने लगेगा, कितने रेडियस के सर्किल में, तो यहां पे ऐसे होके ऐसे पहुंचा एल रेडियस के सर्किल में, घूमते घूमते ये फिर वर्टिकल से ऐसे यहां पे पहुंचेगा ऐसे। तो कह रहा है कि इस एच की क्या वैल्यू हो जिससे वर्टिकल सर्किल कंप्लीट कर पाए। तो जैसा भी हम लोग डिस्कस किए थे, वर्टिकल सर्किल कंप्लीट होना है तो जब ये यहां पे पहुंचेगा तो इसकी स्पीड जो है थोड़ी सी 0 से बड़ी हो जाए। तो थोड़ी सी 0 से बड़ी, तो हम लोग लिमिटिंग वैल्यू में 0 को भी शामिल कर लेते हैं, वी को 0 को भी शामिल कर लेते हैं लिमिटिंग वैल्यू। क्यों, क्या रीजन दे रहे हैं कि 0 से बड़ा तो 0.00000 लाख 0 के बाद 1 लगा दे वो भी 0 से बड़ा है, प्रैक्टिकली वो वैल्यू 0 के बराबर है, तो लिमिटिंग वैल्यूज को कह देते हैं, तो हमने 0 को भी शामिल कर लिया है। तो एच की क्या वैल्यू, इसका मतलब जिससे कि जब ये घूमता हुआ सर्किल में पहुंचे तो यहां पे इसकी स्पीड 0 से बड़ी निकले या एटलीस्ट जस्ट 0 हो जाए, 0 से थोड़ी सी बड़ी भी हो तो चलेगा। तो लिमिटिंग वैल्यू में हम लोग 0 लेके कर लेंगे। तो अब क्या करें, यहां और यहां में फिर अब एनर्जी कंजर्व करा देते हैं, यहां से चलते हैं। तो लेट्स से दिस पोजिशन इज ए एंड दिस पोजिशन इज फाइनल पोजिशन बी। अब आप एक काम कर सकते हो, अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई है तो आप यहां पे देख रहे हो कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, एमजी फोर्स इंटरनल है क्योंकि आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने वाले हो, और कोई फोर्स एक्सटर्नल है नहीं, स्मूथ है, कहीं फ्रिक्शन की बात नहीं की गई है, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं, तो एनर्जी कंजर्व रहेगा। तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप सीधे लिख लो कि जब ये यहां जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जा रही है, तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। बस, तो इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये मास यहां से यहां तक गया, ए से बी के लिए बात कर रहे हैं, फॉर ए टू बी इसके लिए बात कर रहे हैं। तो यहां से यहां तक जाने में इंक्रीज कितना हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी में, वो हो रहा है एम जी, और इस लेवल से इस लेवल में कितना का हाइट का डिफरेंस है, एल का, तो एम जी इंटू एल, ये इतने का इंक्रीज हो जाएगा जब ये मास यहां से यहां पहुंचेगा। डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, यहां पे स्पीड जो है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी बी स्क्वायर। तो यहां पे अगर हम देखें तो हाफ एम वी ए स्क्वायर जो हो गया, हाफ एम वी ए स्क्वायर इज, ये वी ए 2gh अंडर रूट था तो 2gh हो गया, माइनस हाफ एम वी बी स्क्वायर। तो जब h मिनिमम लेंगे तो यहां की स्पीड कम आएगी
और यहां की स्पीड कम आएगी तो फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां पे भी एनर्जी कंजर्वेशन से स्पीड कम आएगा। तो कह रहे कि एच मिनिमम कितना रखे कि जिससे ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पाए, तो एटलीस्ट यहां से स्पीड इसकी जीरो से बड़ी हो जाए। तो अगर यहां पर इसका मतलब एच मिनिमम अगर पुट किया जाएगा तो उस केस में वी भी जस्ट जीरो होगा या जीरो से जस्ट बड़ा होगा। तो हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली जीरो वैल्यू डाल देंगे कि जस्ट क्रॉस कर रहा है इस पोजीशन को, उसके बाद तो अपने आप एमजी का टॉर्क इसको खींच के वापस इधर ले आएगा और फिर ये सर्किल में जब आएगा तो फिर से यहां पे उतनी स्पीड बन जाएगी, फिर यहां तक पहुंचेगा इसका मतलब, तो सर्किल में घूमता रहेगा। तो अब यहां से आप एच मिनिमम कैलकुलेट कर ले जाओ, तो यहां से आपका एच मिनिमम की वैल्यू आ रही है, एच मिनिमम की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए L के बराबर आ जा रही है कि L हाइट से इसका मतलब इसको गिराएंगे तब ऐसा सिचुएशन होने वाला है। तो ये क्वेश्चन था, कंसेप्ट भी डिस्कशन किया शुरू में, फिर इसको सॉल्व किया और जो है आई होप कि सब बच्चों के समझ में आया होगा। कहीं पे अगर कोई डाउट है तो आप इसके लिए मैं एक अलग से कंसेप्ट वीडियो, हालांकि मैंने सारी चीजें यहां पे भी बता दी हैं शॉर्ट में, लेकिन इसके लिए अलग से कंसेप्ट वीडियो भी आप रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसमें कोई एक रॉड है, स्ट्रिंग की जगह रॉड हो और वो सर्किल में घूमने के लिए क्या कंडीशन है, कैसे कैसे हम उसमें चीजें होती हैं। तो ये पूरा डिस्कशन हो गया, अगर आपके समझ में आया है आपको तो आप कमेंट में जरूर मेंशन करो, और कुछ आपका सजेशन है तो भी आप कमेंट में लिखो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, देन शेयर विथ योर फ्रेंड्स, टेल योर फ्रेंड्स अबाउट द चैनल और सब्सक्राइब करो, ठीक है, इससे थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है लाइक आप करते हो तो, और मन में ये आता है कि बच्चों के लिए और अच्छा से अच्छा जो है एक्सप्लेनेशन हो और डिलीवरी हो, जिससे कि उनको सब कुछ समझ में आए, उनको कहीं भटकना नहीं पड़े। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब मूव करते हैं।